हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना फॉर यू में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे अपने घर पे। तो हाँ दोस्तों, ये वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जो अपना माइक खरीदा है बोया BY-M1, वो फेक है या फिर ओरिजिनल। क्योंकि अब इसके माइक की डिज़ाइन बदल गई है, इसका जो चेंज हो गया है वो लोगों में हो गया है, QR कोड और बारकोड में कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप उस बारकोड से या फिर QR कोड से कैसे अपने माइक को पहचानें कि वो ओरिजिनल आपको मिला है या फिर फेक मिला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो मैं आई कार्ड में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर जाके वहां से चेकआउट कीजिए इस वीडियो को। और इसकी माइक की जो भी आप परचेजिंग डिटेल है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप सीधा जाके वहां से खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ दोस्तों, ये जो हमारे पास इस टाइम माइक है वो है बोया का BY-M1। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल माइक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। ये आप DSLR और स्मार्टफोन दोनों में एक साथ यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंपेटेबिलिटी का इशू नहीं आता है और आपको ये आराम से सपोर्ट करता है। इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जिस चीज़ की डिमांड होती है आपको पता है उस चीज़ के फेक प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो आपसे ये प्रेफर करूंगा कि आप इसको हमेशा ऑनलाइन ही परचेज करिए, क्योंकि अगर ऑफलाइन में परचेज करने जाएंगे तो आपको फेक प्रोडक्ट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। अभी तक ये पुराने मार्क में आता था, जहाँ पे आपको ये QR कोड यहाँ पे नज़र आता था, लेकिन अब ये नई डिज़ाइन में आ रहा है, आपको यहाँ पे बार कोड दिख रहा है। तो इससे आप कैसे पहचानेंगे अपने किसी भी माइक को कि वो असली है या फिर फेक प्रोडक्ट है? तो चलिए आपको बताते हैं इसमें कैसे पहचानेंगे। ये आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमको ये नया प्रोडक्ट मिला है, जिसमें अब QR कोड की जगह ये बार कोड यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कोड द बोया माइक विद द वाटर। तो चलिए इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कोई कपड़ा लेना है, उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है। थोड़ा सा गीला करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको ये साइड में यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको आप स्लाइड करेंगे थोड़ा सा। आप जैसे ही इसको गीले कपड़े से करेंगे, जो यहाँ पे बोया का वो जो आपको लोगो दिख रहा था वो यहाँ पे गायब हो जाएगा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जैसे ही आप गीले कपड़े से आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे गायब हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और आपको सेकंड काम क्या करना है कि आपसे यहाँ पे देखिए बेंट का निशान बना हुआ है, इस स्टीकर को छुड़ाना है और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो चलिए इसको छुड़ाते हैं। हाँ, तो अभी आप इसको जैसे छुड़ाएंगे तो आपको ये ऊपर की लेयर इसको छुड़ानी है, और जैसे ही आप देखेंगे ये लेयर आप इसको छुड़ाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बार कोड मिलेगा। अभी आपको ये नई क्वालिटी कारण ये बार कोड आपके इंटरनल में दिखता है, अभी तक ये ऊपर ही आता था। तो आपको ये बार कोड मिलेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना मोबाइल लेंगे, कोई भी जो आपके पास मोबाइल है उसमें एक बार कोड स्कैनर डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास MI का फ़ोन है तो आपके में पहले से बार कोड रहता है, तो आप सिंपली टूल्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये स्कैनर वाला कोड है। आप इसको ओपन कर लेंगे और सीधे आप सिंपली इस बार कोड को यहाँ पे स्कैन करेंगे, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैं इस बार कोड को स्कैन करता हूँ। जैसे ही ये स्कैन करेंगे वैसे ही आपको एक वेबसाइट बताएगा, आप सीधे उस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे गो टू द साइट लिखा हुआ है, आप सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपकी क्वालिटी को बता देगा कि आपका क्या नंबर है और जो आपने बोया BY-M1 माइक ख़रीदा है ये आपका फेक है या फिर रियल। तो आप अभी जैसे कि देख पा रहे हैं ये साइट ओपन हो गई है, इसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर परचेजिंग अवर प्रोडक्ट, और आप ये नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको कह रहा है कि 16 डिजिट का कोड आप लोग लिखिए। तो आप लोग को ये आप ये बार कोड में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये नीचे आपको ये 16 अंक का कोड लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो चलिए मैं इंटर करता हूँ इसको, मैंने अभी ये कोड इंटर कर दिया है, और ये आपको नीचे लिखा हुआ इंक्वायरी आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे करंटली आप जैसे ही इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा मैसेज देके कि वो आपका प्रोडक्ट फेक है या फिर रियल, ये करंटली सिस्टम अनअवेलेबल है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि आप सीधे जाएंगे अपने क्रोम में, वो आप वो 16 डिजिट का अंक कॉपी कर लेना, और आप क्रोम में जाएंगे, क्रोम में जाने के बाद आप एक टैब ओपन करेंगे,
और टैब में लिखेंगे बोया माइक चेक। आप जैसे ये टैब लिखेंगे, एक आपके पास यहाँ पे साइट अवेलेबल होके आएगी जो कि आती है सिक्योरिटी कोड। ये बोया की ऑफिशियल साइट है कि boyamic.com। तो आप पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सामने इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही इंटरफेस ओपन होके आएगा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कह रहा है कि स्केच कोड को इंटर करना है। तो वही जो कोड हमने वहाँ पे 16 डिजिट का था वो सीधा कोड हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये बता देगा प्रोडक्ट फेक है या नकली। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन ऑन योर परचेज फॉर ऑथेंटिक बोया प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हमारा जो है वो फेक नहीं, वो ओरिजिनल है। तो इसी तरह से आप गाइस चेक कर सकते हैं कि आपने जो बोया BYMN माइक ख़रीदा है वो फेक है या फिर ओरिजिनल है। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे इसकी बॉक्स की अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके देखें। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी जो है परचेज़ लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, आप सीधा अमेजोन से जाके इसको खरीद सकते हैं। इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा ऑफर में चल रहा है तो आपको इसको प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, तो जाके ज़रूर वहाँ से परचेज़ करें अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी टाइप के वीडियो के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।